फिजिक्स को लेके परेशान हो कि दी फिजिक्स हम कैसे पढ़े, न्यूमेरिकल समझे सॉल्व नहीं होते। सो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आई हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, नीट हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको फिजिक्स को लेके प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिजिक्स को इस वे में पढ़ लो। तीन ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने इन तीनों ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपकी जो फिजिक्स की टेंशन है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक चीज जो मैं बोलूंगी वो मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस बैचेस में स्टूडेंट्स पे अप्लाई की हुई है एंड बच्चों ने विद इन 2 मंथ इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी फिजिक्स में कर लिया ना। वही बच्चे जो बोलते कि दी हम फिजिक्स की वजह से नीट नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम फिजिक्स की वजह से एम्स नर्सिंग में जाने से डर है, वही बच्चे दे आर सेइंग कि मैम हमारी फिजिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो गया है। कैसे इम्प्रूव होगा आपका स्कोर, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। एंड अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपको एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, नीट या कोई भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो अगर आप जो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, अब मैं आपको बताने वाली वो ट्रिक्स जिसमें आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना है। सो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं कि आप नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स नर्सिंग हो या फिर आपका पैरामेडिकल हो, दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में यू नीड कि आपके फिजिक्स में आते हैं टोटल 30 क्वेश्चन और सिलेबस क्या रहता है हमारा, सिलेबस हमारा रहता है 11th and 12th का। अब बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि अगर आप 2024 वाला पेपर देखो तो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे, जिसको लेके बच्चों के माइंड में एक अलग ही टेंशन क्रिएट हो गई है कि दी लास्ट ईयर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इस बार भी चांसेस है सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑफ कोर्स आ सकता है एंड न्यूमेरिकल्स ही तो सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए वो न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बताने वाली। सो मैं आज आपको ऐसे चैप्टर बताऊंगी कि भाई अगर आपसे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है ना तो आप क्या करो, फिजिक्स को पहले अपना 50% सिलेबस कवर कर लो। कैसे करोगे, सारा सिलेबस के पीछे मत दौड़ो बिल्कुल भी, क्योंकि फिजिक्स में कितनी भी मेहनत कर ले तो आपका स्कोर डाउन होता ही होता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वी कैन से हाई वेटेज चैप्टर, कि भाई कुछ भी हो जाए इन चैप्टर्स को तो छोड़ना ही छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है मेरा लॉज ऑफ मोशन। भाई सारे चैप्टर छोड़ देना, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत हाई वेटेज ये चैप्टर आपका रखता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स आपको करना है। देन इसके बाद आपको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीक्वेंस आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि भाई मैंने यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पहले लिख दिया तो आपको पहले लॉज ऑफ मोशन, आप पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। उसके बाद आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिफ्थ नंबर पे हमारा हाई वेटेज चैप्टर में आता है रे एंड वेव ऑप्टिक्स। देन आपका आता है यहाँ पे हमारे पास काइनेमेटिक्स। देन इसके बाद आता है आपका 7th नंबर अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देन 8th नंबर पे आता है एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो भाई दीज आर द चैप्टर्स जो कि आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं है। तो अगर आपसे फिजिक्स में कुछ भी नहीं हो रहा है, इन 8 चैप्टर को तो कर ही लेना, लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, एटम्स एंड न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं आता है, सबसे पहले प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को निपटाओ। अब पढ़ोगे कैसे, पढ़ने का 3 स्टेप। सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने उठा लिया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, तो आपको क्या करना है, YT पे जाओ, टॉप से टॉप टीचर के लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, वहां पे जाओ एंड वन शॉट
लेक्चर निकालो, वन शॉट वो नहीं देखना जो 1 घंटे का है, नहीं वो वन शॉट जिसमें आपके 4 से 5 घंटे में चैप्टर पढ़ाया हुआ है। पहला ऑप्शन वन शॉट है, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्लेलिस्ट फॉलो करो पूरी की पूरी, जिसमें आपका 6 से 8 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश किया हुआ है। क्योंकि हमें 100% सिलेबस नहीं करना है, लेकिन हमें जितना भी सिलेबस करना है उस पे अच्छे से टाइम लगा के हमें फॉलो करना है। तो आपने अपना पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है इस चैप्टर के, आपको सारे फॉर्मूला शीट बना लेना है। इस चैप्टर में आपने जितना भी पढ़ा, जो भी आपको फॉर्मूलाज लगी, जो भी आपको ट्रिक्स लगी, उन सबको अपने पास अलग से नोट डाउन कर लेना है। थर्ड चीज आती है न्यूमेरिकल्स दी, यही न्यूमेरिकल्स तो हमसे नहीं होते, तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आ जाता है। कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपने देखा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एंड क्वेश्चन देखने के बाद आप सोच रहे हो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगना चाहिए, नहीं समझ पा रहे, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विद स्टेप वन, स्टार्ट विद सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ट्रिक बता रही हूँ, 1 महीना फॉलो कर लो, एंड 1 महीना फॉलो करके खुद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि ट्रिक बेनिफिशियल रही या नहीं रही। क्वेश्चन देखा, देखो मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने रीड करके आपको दिखाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ इनर, कोई भी एक क्वेश्चन दिया, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है भाई पता नहीं क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, आई हैव नो आइडिया। क्वेश्चन पढ़ा, कोई आइडिया नहीं। अब इसका सॉल्यूशन पे गए, सॉल्यूशन देखा, अरे इसमें तो ये फॉर्मूला लगना था, हाँ टीचर ने समझाया था, याद आएगा टीचर ने समझाया, तो इसका मतलब अगर ऐसे कुछ चीज गिवन हो तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर मेरे को कहीं पे रेडियस गिवन है इनर ऑर्बिट की और मुझसे वो थर्ड ऑर्बिट की पूछ ले, तो मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में फटाफट से आ जाएगा कि मैंने तब वो क्वेश्चन किया था और ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे ये ट्रिक लगाई थी, इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई किया हुआ था। तो आप जब 1 महीने तक सॉल्व न्यूमेरिकल फॉलो करो तो आपके दिमाग में इतने सारे फॉर्मूला फीड अप हो जाएंगे ना, इतनी सारी ट्रिक्स आपके माइंड में फीड अप हो जाएंगी कि जब आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करने लगोगे ना तो खुद आपके माइंड में अलग अलग ट्रिक्स आने लगेंगे। ये सुनने में अजीब लग रहा है बट ये बच्चों ने फॉलो किया है एंड उनके लिए डुएबल रहा है। आप भी इस चीज को करके देखो, आपका सोल्यूशन नहीं हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये चीज बताना। सॉल्व न्यूमेरिकल्स करो एंड उसके बाद आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स पे जाओ। तो मैं आपको बोलूंगी आप क्या करना, जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तो इस लॉज ऑफ मोशन के 40 क्वेश्चन तो कर लो आप सॉल्व, चलो 40 नहीं रहते, 30 क्वेश्चन आप सॉल्वड प्रैक्टिस कर लो। कहां से सॉल्व करने मैं बताऊंगी आपको, अनसॉल्व आप कर लो 20 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो भाई जब आप सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर फिनिश करते आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल पे जाते थे, 20 क्वेश्चन करो तो 5 क्वेश्चन अगर आप कर पाते थे ना, तो यहाँ पे मैं गारंटी से बता रही हूँ पहले सॉल्व प्रैक्टिस करने के बाद आप उस 5 से 15 क्वेश्चन अनसॉल्व प्रैक्टिस खुद सॉल्व करने लग जाओगे। तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है, 30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद 15 अनसॉल्व प्रैक्टिस करने हैं एंड एनालाइज करना है कि सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, उनको क्वेश्चंस को देखने से, उनको समझने से, क्वेश्चन को समझना है कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्यों लगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्यों लगाया गया, तभी आप अनसॉल्व में उन फॉर्मूलाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को लगा पाओगे। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए और ये टेक्निक हर किसी को नहीं पता होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उन बच्चों ने ये टेक्निक अपनाई हुई है, वो डायरेक्टली अनसॉल्व पे ना जाके क्वेश्चंस का टेक्निक्स देखते हैं। भाई पहले कोई चीज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं तभी तो हम सॉल्व करने जाएंगे, हम क्या करते हैं चैप्टर पढ़ते हैं और डायरेक्ट अनसॉल्व न्यूमेरिकल करने शुरू कर देते हैं। भाई हमें पहले सॉल्व कराओ, टीचर करा रहे, टीचर ने अगर कोई वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे जाओ सॉल्व न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखो, ठीक है वो नहीं देख रहे बट बुक से करो। तो बुक के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ओसवाल की हैंड बुक्स परचेज कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स की हैंड बुक्स अवेलेबल है जिसमें पूरे नोट्स है एज वेल एज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ,
ये आपका नीट की बुक है अवेलेबल, जिसमें आपके मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। ये मॉक टेस्ट आपको नीट में भी हेल्प करेगा, इसमें सारे PYQs दिए हैं। आप एप्स नर्सिंग की बात करोगे या पैरामेडिकल या नीट के लिए बात करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको नीट के PYQs फॉलो करना है और इसके अंदर प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए हुए। ऐसे ही ओसवाल की देर आर सो मेनी बुक्स। सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है ओसवाल की वो है हैंड बुक्स, मेरे पास खुद भी अवेलेबल है, आप लोग भी उन बुक्स को बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिजिक्स की हैंड बुक बाय करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल एज मच एज पॉसिबल। सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो भाई इन चीजों को फॉलो करो, जो चैप्टर मैंने आपको बताया 8 चैप्टर, इनको प्रायोरिटी में करो। अब ये मत सोचो सिर्फ पार्टी करने, नहीं करने सारे हैं, बट अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनको करो पहले। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, एकदम से महारत नहीं हासिल कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हमको लेके चलो। आई होप आप लोगों की जो फिजिक्स की टेंशन हो थोड़ी सी दूर हुई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। इफ यू वॉन्ट मोर वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड हमारे लिए अगर आप नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर बैच, तो हमारा एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेक्शन बैच चल रहा है। इफ यू वांट आप हमारे सिलेक्शन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके। वहां पे आपको PYQs मिलेंगे, आपको हाई वेटेड चैप्टर्स का लिस्ट मिलेगा। ऑल्सो बेनिफिट, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर, तो आपको वहां पे बायो प्लस जीके की लाइव क्लासेस मिलेंगे, जिसमें हम पूरा सिलेबस ऑन क्लास फिनिश करेंगे, क्लास में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। आपको प्रॉपर वीकली टारगेट्स यहां पे मिलेंगे कि आपको एक दिन में क्या पढ़ना है। मैं आप लोगों को अपना वीकली टारगेट दिखा भी देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो ऐसे आपको यहाँ पे वीकली टारगेट मिलेंगे। ये हमारा बैच 9th of September से वीकली टारगेट मैंने बच्चों के लिए बना दिया। पूरा 9 मंथ का प्लान है कि आपको किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है। पूरा वीक पढ़ाई कर ली, अब टेस्ट किसका देना, तो जो पूरा वीक पढ़ोगे उसी का आपको हमारे टेस्ट सीरीज में टेस्ट मिलेगा। इफ यू डोंट वांट ऑनलाइन क्लासेस, आप हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्लानर मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा और आपको हर वीक टेस्ट भी मिलेगा विद प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर रैंकिंग आपको उसमें अलॉट किया जाएगा। ऐसे करके हमारा पूरा प्लानर है जो कि बच्चों को प्रोवाइड करा दिया गया है टिल द डेट ऑफ फरवरी, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपको एक प्लानर चाहिए, जस्ट फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का आपको एक प्लानर मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज या फिर हमारे बैचेस में आप एनरोल करना चाहते हैं, तो यू नीड टू डीएम अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डीएम करने दी वी वांट टू ज्वाइन आवर सिलेक्शन बैच या फिर टेस्ट सीरीज। एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ, अभी टिल द डेट ऑफ 15th of September हमारा फ्लैट 70% ऑफ चल रहा है हमारे टेस्ट सीरीज पे भी, ऑल्सो हमारे ऑनलाइन बैचेस पे। अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ये क्लासेस, ये टेस्ट सीरीज आपका टिल द डेट ऑफ एग्जाम चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि सिलेबस फिनिश हुआ तो आपकी क्लासेस बंद। प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट होगा, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 30-30-30-10 करके आपको प्रॉपर सिक्वेंस में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी। आई होप आप लोगों के लिए चीजें काफी बेनिफिशियल रही होंगी। हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।